वेलकम टू माई चैनल अविका डेकोरेटिव होम। ये मेरे पास दो टुकड़े कपड़े के कतरन हैं। आज मैं इसे गिफ्ट पैकिंग बैग बनाऊंगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई 10x6 है, तो इसे कपड़े को नाप कर हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सीधी लाइनिंग खींच ली है, अब इसकी कटिंग कर देंगे। इसी तरह दूसरे भी पार्ट को कटिंग करेंगे। तो पहले इस कपड़े को जो कटिंग की है उसको ऊपर रख देंगे और फिर हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गई है, अब ये सीधे की साइड थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इस पर लेस रख कर इसको लगा देंगे और इसी तरह दूसरे भी पार्ट्स में लेस लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने लेस लगा लिया है, अब इसको उल्टा रखेंगे। अब इसकी लंबाई नापेंगे, लंबाई 8 इंच रखेंगे, 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और दोनों ही कपड़े पर इस तरह निशान लगा लेंगे। दोनों कपड़े को इस तरह आमने सामने रखेंगे और दोनों कपड़ों को एक ही साइड ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। जहाँ तक निशान लगाया है वहीं तक सिलाई करनी है। तो यहाँ पे सिलाई हो गई है। नीचे वाले कपड़े को सीधे रखेंगे और ऊपर वाले कपड़े को उल्टा रखेंगे। इसको इस तरह सेट करने के बाद यहाँ पे एक साइड पर सिलाई करेंगे और जिधर हमने थोड़ा सा ऊपर फोल्ड किया था वहाँ से नहीं करनी है। अब ये मेरी सिलाई हो गई है। अब इस तरह जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसको फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो ये सिलाई हो गई है। यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई है, उसके नीचे से इस तरह लेस लगा देंगे और फिर नीचे वाले भाग पे भी ऊपर लेस लगा देंगे। तो ये मेरा लेस लग गया है। यहाँ पे मैं एक लेस और लगाऊंगी, थोड़ा सा गैप रखूंगी कि जिससे मैं डोरी डाल सकूं। तो ये मेरा लेस लग गया है। अब इसके बाद इसको इस तरह रख कर सिलाई कर देंगे और थोड़ा सा जहाँ हमने फोल्ड किया था सबसे ऊपर वहाँ पे सिलाई नहीं करेंगे। ये मेरा बैग तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डोरी डाल दूंगी। ये मेरा बैग तैयार हो गया है। तो आप इसमें कोई भी गिफ्ट वगैरह करके दे सकते हैं। तो देखिए ये बैग तैयार है। इसमें ड्राई फ्रूट, चॉकलेट या गहने हो, किसी को गिफ्ट करना हो तो आप इसमें पैक करके दे सकते हैं। तो ये अच्छा भी लगेगा देखने में। यदि आपको डोरी बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो बाय।